योगी जी। केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी, लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र पाल सिंह जादौन जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण मल्होत्रा जी, पूर्व विधायक माधोगढ़ श्री संतराम सिंह सेंगर जी, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री छोटे सिंह चौहान जी, आज के इस मंच पर उपस्थित निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री भारत निषाद जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी श्री संजीव सिंह ऋषि जी, विधानसभा के प्रभारी सौरव भूषण शर्मा जी, विधानसभा संयोजक संजीव उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं कालपी की इस धरती को, जहां पर मां यमुना का आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही रहा है, यहां पर महर्षि वेदव्यास का भी मंदिर है, भारत को सनातन परंपरा के साथ जोड़ने और प्रत्येक नागरिक के लिए वेदों का ज्ञान सुलभ कराने के लिए, हम सब के लिए पुराणों का ज्ञान सुलभ कराने वाले जिस महान ऋषि का सर्वाधिक योगदान है, वह योगदान है भगवान वेदव्यास का। और मैं भगवान वेदव्यास की इस धरती को और बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पिछली बार यहां पर आना था जब यहां के विधायक और यहां के सांसद ने मिलकर के कालपी की दशकों से चली आ रही जाम की समस्या का समाधान हुआ, उस समस्या के समाधान की बात मुझे यहां स्वयं आना था, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना में 25 करोड़ जनता के जीवन को और उनकी जीविका को बचाने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग लगे थे, इसलिए चाहते हुए भी मैं उस अवसर पर नहीं आ पाया। बाढ़ के दौरान में मैं यहां पर आया था, लेकिन मैंने हवाई सर्वेक्षण करके फिर बैठक मैंने जिला मुख्यालय पे ली थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे आपके बीच में यहां पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी श्री छोटे सिंह चौहान जी के समर्थन में आप सबसे अपील कर सकूं। मैं इस अवसर पर एक बार तो सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, यमुना मैया को कोटि कोटि नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं अपने लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र सिंह जादौन का, जो आज छोटे सिंह चौहान जी को समर्थन देने के लिए स्वयं मंच पर उपस्थित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के गठबंधन में ये सीट जाने के कारण श्री छोटे सिंह चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है निषाद पार्टी के चिन्ह पर, और नरेंद्र सिंह जादौन जी उनको समर्थन देने के लिए स्वयं इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनके सभी समर्थकों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। कालपी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने के लिए एक विधायक और एक जनप्रतिनिधि के रूप में वे लगातार कार्य करते रहे, निरंतर यहां की समस्याओं को शासन के सामने रखने,
उनका समाधान करने के लिए उन्होंने बराबर प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, सपा बसपा और कांग्रेस ने आपको 70 वर्षों तक बूंद बूंद जल के लिए तरसाया था, लेकिन अब आपकी अपनी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर नल योजना को साकार करना प्रारंभ कर दिया। हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का हम काम कर रहे हैं। हर घर नल योजना, कोई प्यासा नहीं रहेगा बुंदेलखंड की धरती पर, कोई प्यासा नहीं रहेगा। हर घर नल की योजना, हर घर तक आरओ जैसा शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचेगा। और केन बेतवा नदी को जुड़ने दीजिए, यमुना मैया की कृपा तो होती ही है, केन बेतवा के जुड़ने के बाद बुंदेलखंड के हर खेत को भी पानी पहुंचेगा। ये बुंदेलखंड जो पिछली सरकारों के समय माफियाओं, पेशेवर अपराधियों और दुर्दांत डकैतों की अनैतिक और अराजक गतिविधियों का अड्डा बन गया था, डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों बहनों आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार ने उस बुंदेलखंड को विकास की इतनी योजनाओं के साथ जोड़ा है कि आज ये बुंदेलखंड हमारा जालौन से लेकर के चित्रकूट तक पूरा बुंदेलखंड धरती का नया स्वर्ग बनने की ओर तैयार खड़ा है। आज यहां पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। आज यहां पर हर घर नल की योजना लागू हो रही है। आज यहां पर डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। यही फर्क है, पिछली सरकार ने पेशेवर माफिया, अपराधियों, डकैतों को पाल करके जगह जगह तमंचों की फैक्ट्री लगवाने का काम किया था, लेकिन भाइयों बहनों हम तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। यहां बनने वाली तोप और मिसाइल, जब जालौन का नौजवान और कालपी का नौजवान उस तोप पर बैठ करके भारत की सीमा पे जाकर के दुश्मन को चेतावनी देगा और तोपें गरजेंगे, दुश्मन के छक्के छूटेंगे और हर नौजवान कह उठेगा भारत माता की जय। आज वही तो कार्य करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी? राशन मिलता था? दवा फ्री में मिल पाती थी? आज तो आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव का लड़ाई कब चली गई कोई पता नहीं, समाप्त। कोरोना को हम लोगों ने वैसे ही बोतल में, कोरोना के भूत को वैसे ही जिद के रूप में बंद कर दिया है, जैसे हमने पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, वैसे ही कोरोना को भी प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और भाइयों बहनों, अब तक की किसी भी बड़ी महामारी में, किसी भी महामारी में एक बात देखने को मिलती थी कि बीमारी से तो मौतें होती ही थी, उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन इस कदर हुआ कि बीमारी से भी मौत न हो, लेकिन भूख से तो एक भी मौत न हो। डबल डोज सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन की दे रही है। दो बार राशन मिल रहा है ना। और भाइयों बहनों, अपनी निषाद पार्टी का प्रत्याशी स्वयं थाली लेकर के आपके पास पहुंच रहा है। थाली लेके पहुंच रहा है, थाली में अनेक पकवान है, लेकिन इनकी थाली में मछली गायब है। अभी पकवान की थाली यह भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को ही प्रदर्शित करता है। चावल भी मिलेगा, गेहूं भी मिलेगा,
दाल भी मिलेगा, रिफाइंड तेल भी मिलेगा और नमक भी मिलेगा। अंत्योदय परिवार वालों को 1 किलो चीनी भी मिलेगी। क्या ये काम पहले भी होता था क्या? 17 के पहले जो सरकार थी ना, वो सिपाही खानदान की थी, सब खा जाते थे, सब डकार जाते थे। उनका तो नारा ही था कि सबका साथ और सिपाही खानदान का विकास। भर्ती निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। कोई ऐसा काम जिससे प्रदेश का भला हो, चाचा भतीजा ढूंढते थे कहां से डकैती डालें, कहां से निकालें, और फिर विकास का कार्य ठप पड़ जाता था। आज जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रही है, 2012 से 17 के बीच में ही बन सकती थी ना, उन्होंने नहीं बनाया। आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, 2017 के पहले ही बन सकता था ना, उन्होंने नहीं बनाया। हर घर नल योजना 2017 के पहले ही बन सकती थी ना, उन्होंने नहीं बनाया। और हम लोगों ने तो ये भी तय किया है, हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन चेहरा देख करके नहीं, बीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, बीटेक कर रहा हो, बीई कर रहा हो, नर्सिंग का हो, फार्मेसी का हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी छात्र हो, उन सभी छात्रों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने अब तक जालौन जिले में, अकेले जालौन जनपद में हम लोगों ने लगभग 200 नौजवानों को दिया, और जब तक हर नौजवान को देने की बारी आती तब तक समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, हमने तय किया है, हमने तय कर लिया है कि ये लोग अब कंप्लेंट करेंगे। अभी तो हमने तय किया था कि 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे। अब 10 मार्च के बाद हम तय कर रहे हैं कि अगले 5 वर्ष के लिए 2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। और टैबलेट और स्मार्टफोन ही नहीं देंगे, मां बाप के ऊपर भी खर्चा नहीं आने देंगे, फ्री में डिजिटल एक्सेस जो भी होगा वो सब फ्री में देंगे सभी नौजवानों को। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। घर में बैठे बैठे, कालपी में बैठे बैठे, दिल्ली में कौन क्या पढ़ रहा है, मुंबई में कौन क्या पढ़ रहा है, दुनिया की किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में क्या है, ये सब अपने टैबलेट और स्मार्टफोन में आप बैठ करके एक जगह देख सकते हैं। अब हमारे नौजवानों को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग आपके जनपद में ही हर जगह खुल करके हर नौजवान को गाइड करेगा। हमारा नौजवान भी देश के अंदर जाएगा। और भाइयों बहनों, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं ना, ये केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलने के लिए नहीं है, हर जनपद में एक औद्योगिक क्लस्टर बना रहे हैं, उद्योग लगेंगे। मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी पाने के लिए आपके पास बुंदेलखंड में आएगी। विकास की योजनाओं को जोड़ने के लिए हम लोग आए थे, और उसको डबल यानी बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड बढ़ाते हुए प्रदेश के अंदर, और नहीं तो सपा की सरकार में रोज दंगे, रोज कर्फ्यू, रोज अराजकता, रोज बमबाजी, रोज छिनैती, यही तो होता था, रोज राजनी, यही तो होता था। आज राजनी होती है क्या? आज डकैती पड़ती है क्या? आज दंगे हो रहे हैं? आज कर्फ्यू लग रहा है? आज दंगा नहीं होता है, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे अगले 12 घंटे के अंदर उनके पोस्टर चस्पा हो जाएंगे चौराहे चौराहे पर, और 24 घंटे के अंदर उनके घर नोटिस चली जाएगी कि बेटा नुकसान पहुंचा है तो अब इसकी भरपाई भी तो कर लो, बाप दादों ने जो कमाया है उसको अब यहां भरपाई कर लो।
कोई दंगा नहीं कर सकता, कानून का राज है। और भाइयों बहनों यही नहीं, अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब तो धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है उत्तर प्रदेश में। क्या निकलती है? कावड़ यात्रा। और अब बमबाजी नहीं होती है, व्यापारियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर कोई बमबाजी नहीं कर सकता, अब बमबाजी नहीं, कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाते हुए जाता है। यह है नया उत्तर प्रदेश। भाइयों बहनों, विकास का एक विजन होता है, ये पेशेवर माफिया और अपराधी और परिवारवादी वंशवादी लोग नहीं कर सकते। ये कितना भी घोषणा कर ले, सारी झूठी घोषणाएं इनकी। जब इनको मौका मिला था तब अपने खानदान के अलावा किसी के बारे में सोचे ही नहीं, गरीबों का न हड़प करके विकास का पैसा इनका इतरवाला मित्र जमा करके लेके चला गया, गरीब तक टकी लगाए देखता रहा। तो मुझे बताइए, आज जो काम हम कर रहे हैं, हम लोगों ने अकेले जालौन जनपद में 58,600 से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया था, 58,600 से अधिक किसानों का कर्ज माफ, और 2,11,000 से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, आपके इस जनपद में 15,00,000 गरीबों को हर महीने कोरोना कालखंड में 2 बार राशन देने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और यही नहीं, अगर मैं आवास योजना की बात करूं तो अकेले जालौन जनपद में 36,500 से अधिक गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से दिया गया है। यह आवास पहले भी मिल सकता था, ये स्मार्टफोन पहले भी दिया जा सकता था, ये कर्ज माफी का कार्यक्रम पहले भी हो सकता था, ये जितने भी किसान सम्मान निधि का लाभ पहले भी दिया जा सकता था। लेकिन पहले तो नियत साफ नहीं थी सरकारों की, ये सारा पैसा ये लोग हड़प जाते थे, इनके गुर्गे हड़प जाते थे, इनके इत्र वाले मित्र सारा पैसा हड़प जाते थे। अब आप सोचो, आपने हमें सरकार बनवाने का मौका दिया, तो जो गरीबों का हड़पेगा, कमजोरों का हड़पेगा, आखिर उस पे बुलडोजर चलना चाहिए ना। और हमने तो तय किया, एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग होगा, दोनों एक साथ चलेंगे, उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। आखिर भाइयों बहनों, सरकार चलाने के लिए सोच ईमानदार चाहिए, जब सोच ईमानदार होगी तभी काम दमदार होगा, और जब काम दमदार होगा तभी दमदार तरीके से माफिया के ऊपर बुलडोजर भी चढ़ पाएगा। आप इस बात को मानते हैं ना? और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहां पर अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी से श्री छोटे सिंह चौहान जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। छोटे सिंह चौहान पहले भी यहां पर विधायक रहे हैं, उनके पास एक अनुभव है, नरेंद्र सिंह जादौन जी का उनके साथ सहयोग है, भानु प्रताप वर्मा केंद्रीय मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद हैं, ये सभी लोग मिलेंगे तो कालपी को कालपी की पहचान दिला देंगे। नरेंद्र सिंह जी मेरे पास बराबर आते थे यहां के कागज को लेकर के, कागज की समस्या का समाधान करने के लिए। भाइयों बहनों, कोरोना ने काफी विकास की गति को थामने का प्रयास किया था, यद्यपि हम लोग प्रारंभ करते रहे, लेकिन यह गति जो नरेंद्र सिंह जादौन जी ने प्रारंभ की वो थमने नहीं पाएगी,
और रुकने नहीं पाएगी। सरकार आने दीजिए, इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, छोटे सिंह चौहान जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भोजन भरी थाली है, भोजन भरी थाली है, यमुना मैया की कृपा होने जा रही है लगता है कालपी पे। सभी लोग तैयार हैं ना? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलेंगे। और भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, एक कालपी से सिंह छोटे सिंह चौहान जी को निषाद पार्टी से, माधोगढ़ से श्री मूलचंद निरंजन जी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से, उरई से श्री गौरी शंकर जी को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सभी लोग सहमत है ना? लेकिन ये तभी संभव होगा जब चुनाव के दिन 20 फरवरी को पहले मतदान, फिर जलपान, पहले मतदान। सभी लोग तैयार है ना? देखो, ये भोजन भरी थाली तभी मिलेगी जब वोट करेंगे। तैयार है ना सभी लोग? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद के लिए मैं कल्पी के